एक तरफ यूरिया की किल्लत से जूझ रहे किसान, उधर खाद के केंद्रों से गायब हुए बोरे। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रबी की फसल के अच्छे उत्पादन के लिए यूरिया बहुत आवश्यक है, लेकिन इन दिनों यूरिया को लेकर किसान बेहद परेशान है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में यूरिया को लेकर किसानों के सरकारी संस्थाओं पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ यूरिया के वितरण में भी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी ही गड़बड़ी सामने आने पर रतलाम कलेक्टर ने दो समिति के कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। रतलाम में यूरिया वितरण में गड़बड़ी। रतलाम कलेक्टर ने धराड़ और लुरेरा समिति के कर्मचारियों को यूरिया वितरण में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी किया है। दरअसल धराड़ में 10.62 मैट्रिक टन का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया है। यहां पर 36.45 मैट्रिक टन यूरिया भेजा गया था, जबकि कई बोरियों का हिसाब रिकॉर्ड पर नहीं मिला। इसी तरह लुनेरा सोसाइटी में भी 166 बोरी यूरिया की गायब मिली। यहां पर 33.57 मैट्रिक टन यूरिया भेजा गया था। यदि समिति के कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो उन पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इन दिनों किसान को यूरिया की बेहद आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में अभी तक 28.68 मैट्रिक टन यूरिया मिल चुका है, जबकि 23.20 मैट्रिक टन से ज्यादा बांटा जा चुका है। इस बार कृषि विभाग के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो लगभग 5.35% कृषि भूमि का रकबा बढ़ चुका है। किसान हरिराम चौधरी के मुताबिक रबी की फसल में यूरिया की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यूरिया से पैदावार बढ़ जाती है। मौसम विभाग ने भी मावठा यानी हल्की बारिश होने की संभावना जता दी है। इस समय किसानों की चिंता और अधिक बढ़ गई है। किसान नरेंद्र पटेल के अनुसार इस साल किसानों को सोयाबीन की फसल में भाव नहीं होने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। यदि इस बार समय पर यूरिया नहीं मिलता है तो किसानों को रबी की फसल में भी आर्थिक हानि हो सकती है। कृषि विभाग के सहायक संचालक कमलेश कुमार राठौर ने बताया कि यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड बनाए गए हैं। इसमें कृषि विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर में लगभग 98% बोवनी निपट चुकी है। ऐसे में यूरिया के वितरण को लेकर भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति यूरिया को शासन द्वारा निर्धारित की गई दर से अधिक कीमत पर बेचता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के नागदा सहित कई स्थानों पर अचानक निरीक्षण भी किया गया है। एमपी में 8000 से ज्यादा निजी विक्रेता। मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से राज्य विवरण संघ और विपणन संघ समिति के माध्यम से यूरिया का वितरण कराया जाता है। यहाँ पर दोनों को मिलाकर 576 केंद्र है। वहीं निजी विक्रेताओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ 8000 से अधिक है। ऐसी स्थिति में यूरिया की कालाबाजारी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। अब तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।